चैनल, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं 8:30। नहा के मेरा हो गया और मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने। देखिए ये भी उठ गए हैं। गुड मॉर्निंग बच्चा, आ जाओ। पूजा आप करोगे? जाओ, अच्छा जाओ जाओ जाओ, चलो जाओ, पापा आए जाओ। बच्चा जाओ ना, जाओ, पापा रुके। आरुष गुस्सा हो गए, बोल रहे मुझे पूजा नहीं करने दिए। पूजा कर लिए आप लोग? पूजा मैं कब का कर ली, इनके पापा है खाली, वो शंख बजा रहे हैं। जाओगे? उठ गए अभी, अभी चल रही हूँ बनाने के लिए नाश्ता। क्या बनाऊँ सोच रही हूँ, आज ओट्स बना दूँ। और हाँ, नीचे मेरे गाड़ी आई है सब्जी की, थैंक गॉड मिल रही है, सब खत्म हो गया था। तो फटाफट अभी हम लोग नाश्ता करेंगे, इनको भी ब्रश कराऊँगी, आरुष को भी, इनको भी करा दूँगी। और अदिति तो सो रही हैं, वो अभी नहीं उठेंगी। और फिर हम लोग जाएंगे, दोनों फटाफट लेके आ जाएंगे। हाँ बच्चा, हाँ चलोगे आप भी? चलोगे? चलिए चलते किचन में। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, ओट्स रखी थी थोड़ा बनने के लिए, रख के ही गई आरुष को देखने, आरुष आवाज़ देने लगे थे। और ये मैं लौकी रखी हूँ कट करके, उसको कद्दूकस पे क्रश करना है। बनाने वाली हूँ आज लौकी का कोफ्ता। एक्चुअली यहाँ ऐसा बोल रहे थे कि सब्जी नहीं मिलेगी 5-6 दिन, लेकिन नीचे सब गाड़ियाँ आ गई हैं, लगी हैं सब्जी की, फ्रूट की। तो हम लोग जल्दी गए थे, सुबह में जल्दी जाओ तो भीड़ नहीं रहती है। और अभी आ भी जाते, पहले 9-10 बजे के पहले नहीं आते थे, बट अभी जल्दी आ जाते हैं वो लोग लेके गाड़ी। तो हम लोग सोचे कि लेके आ जाते हैं सुबह में जल्दी, तो भीड़ भी नहीं रहेगी। तो वही सब फ्रूट वगैरह और ये सब्जी भी लेके आए, सिर्फ दूध लाना बाकी है। दूध भूल गए, आदि नहीं आया, तो ओट्स में बनाई, सूखा सूखा बना है एकदम, दूध बहुत कम था ये देखिए। और एक साइड में रखी हूँ चाय, अभी वापस जाना पड़ेगा फिर नीचे दूध लेने के लिए। दूध लेना ही भूल गई, दिमाग में ही नहीं आएगा, और सामान भी बहुत सारा था, आलू प्याज भी लेना था, सब ख़त्म हो गया था। और सब्जी भी कुछ भी नहीं थी, तो लिए सब 3 थैले हो गए थे। सब्जी सारी ऐसे ही रखी हुई है, मैं सोची पहले किचन का काम कर लेती हूँ, नाश्ता कर लेते हैं सब, ये लोग को भी, बच्चे लोग को भी करा देती हूँ, फिर उसके बाद क्लीन करूँगी। क्योंकि सब लेके बैठो इतना सारा सामान, तो आधा पौना घंटा निकल ही जाता है, इसके लिए सब उठा के बाहर ही रख दी हूँ बालकनी में। बोली नाश्ता हो जाएगा तो फिर करती हूँ। लंच में मैं बनाने वाली हूँ आज लौकी के कोफ्ते। तो उसके लिए लौकी कद्दूकस करके रखी हूँ, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक, बेसन, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दी हूँ, अब मैं इसको तल लूँगी। और एक बार मैं अच्छे से पका लूँगी इसको, 6-7 कोफ्ते को। इसमें सब ऐड ही है, मसाला भी ऐड है, नमक भी ऐड है, तो ये लोग को खाना है भजिए के जैसे, आदि आरुष को। तो एक बार मैं इसको अच्छे से पका ले रही हूँ, और बाकी कोफ्तों को मैं हल्का सा पका के ही निकालूँगी, इतना ज़्यादा गोल्डन नहीं करूँगी जितना ये पहले का निकाल के रखी हूँ। तो कोफ्ते सारे तल के हो गए, अभी मस्टर्ड ऑयल में डाली हूँ, और उसमें मैं ऐड करी हूँ जीरा। जीरा चटकने लगा है तो मैं उसमें ऐड कर दी हूँ प्याज। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है तो मैं उसमें ऐड करूँगी पीसे हुए मसाले। और इसमें मैं लहसुन
एक टमाटर और दो प्याज पीसी थी, और अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी सूखे मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसको 2-3 मिनट के लिए मैं लो फ्लेम पे पका लूँगी। देखिए मसाला अच्छे से पक गया है, तेल छोड़ दिया है, तो मैं उसमें ऐड कर दूँगी पानी और स्वाद के अनुसार नमक। इसमें ऐड कर दूँगी अभी मैं कोफ्ते। 5 मिनट के लिए मैं ढक के रख दूँगी पकने के लिए। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी धनिया पत्ता। देखिए सब क्लीन करके रख दी हूँ मैं, सारी सब्जियाँ फ्रिज पूरी भर गई है, और यहाँ पे पड़े हैं फ्रूट, उसको मैं अभी बाद में रख दूँगी। सब धो के रखी हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा पानी निकल जाएगा तो मैं सब उठा के रख दूँगी। और अभी बज रहे हैं 9:30, मैं बना रही हूँ डिनर, और आज डिनर में है मिक्स सब्जी है, मसूर और छोली वो सब भिगा के रखती हूँ मैं, उसी सब की सब्जी बना रही हूँ, ग्रेवी और जवारी की रोटी है, बस सब्जी रोटी ही है आज डिनर में। तो ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।